मोतिया सड़क। राहुल नाम का आदमी अपनी बाइक पर सवार होकर रात में एक सड़क से जा रहा था। कुछ ही देर में वो एक सुनसान सड़क पर आ जाता है। वो ऐसे ही आगे बढ़ता है कि अचानक से उसके सामने दो डरावने भूत आ जाते हैं। उन भूतों के हाथ कटे हुए होते हैं। भूतों को देखकर राहुल डर जाता है और बाइक रोक देता है। जैसे ही वो बाइक रोकता है, उस सड़क से दो बड़े बड़े भूतिया हाथ बाहर निकल कर आते हैं और राहुल को जमीन के अंदर खींच लेते हैं। कुछ दिनों के बाद अजीत और संजय देर रात अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। अजीत तेजी से गाड़ी चला रहा था और संजय उसके बाजू में बैठा था। अरे भाई अजीत, आज क्या हुआ है तुम्हें? गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? थोड़ा धीरे चलो, वैसे भी आगे कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। गाड़ी आगे जा ही रही होती है कि अचानक से उसके सामने डरावने हाथ कटे भूत आ जाते हैं। दोनों को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी फिर से वो दो भूतिया हाथ सड़क से बाहर आते हैं और अजीत और संजय को जमीन के अंदर खींच लेते हैं। जो भी देर रात उस सड़क से गुजरता, उसे वो भूतिया सड़क अपने अंदर खींच लेती। दो दिनों तक घर वापस ना आने की वजह से संजय और अजीत के घर वाले भी उन्हें ढूंढने लगते हैं। अजीत की बीवी सीमा और संजय के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए उसी भूतिया सड़क के पास वाले गांव में आते हैं। तभी उन्हें राहुल का बड़ा भाई मिलता है, जो राहुल को ढूंढ रहा होता है। तब संजय के पिता प्रकाश, सुनिए जी, मैं अपने बेटे और उसके दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। दो दिनों से दोनों भी घर पर वापस नहीं आए हैं। उनके आने का रास्ता तो यही है। हमने आसपास भी उनके बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। आप कुछ बता सकती हैं क्या? अंकल जी, मैं भी अपने भाई राहुल को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई भी 3-4 दिनों से घर नहीं आया है। क्या? कहीं आपके भाई और अजीत और संजय के गायब होने की एक ही वजह तो नहीं है? मुझे लगता है हमें गांव में जाकर फिर से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ बेटा, चलो हम गांव में जाकर पूछते हैं। फिर सब पास वाले एक गांव में जाने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें गांव के एक बुजुर्ग चाचा मिलते हैं, संजय के पिता उनसे। चाचा जी नमस्ते, हम शहर से आए हैं। मेरा बेटा, उसका दोस्त और इन भाई साहब का भाई तीनों कुछ दिनों से गायब है। हमें पता चला है कि वो देर रात इसी सड़क से जा रहे थे, लेकिन तब से उनका कोई पता नहीं है। आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? बेटा, ये कोई मामूली सड़क नहीं है। दिन भर तो इस सड़क से आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रात होते ही ये सड़क भूतिया बन जाती है। इस सड़क पर हाथ कटे दो भूत खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर लोग डर जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं, 4 भूतिया हाथ सड़क के नीचे से आकर उन्हें सड़क के अंदर खींच लेते हैं। ज़रूर आपके बेटों को भी उन्होंने ही मार दिया होगा। क्या? मेरा बेटा? सीमा, संजय के पिता और माँ रोने लगते हैं। राहुल का भाई पूछता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भूत लोगों को क्यों मारते हैं? कुछ साल पहले इस सड़क पर से दो लोग जा रहे थे, तभी एक गाड़ी तेजी से आई। उस गाड़ी में कुछ लड़के थे और वो सब नशे में धुत थे। गाड़ी चलाने वाले ने उन दोनों लोगों को देखा नहीं और उन्हें कुचलकर आगे चले गए। वो दोनों बहुत जख्मी हो गए, उनके हाथ पैर टूट गए और इसी सड़क पर तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। वो भूत बन गए और रात को इस रास्ते से गुजरने वालों को मारने लगे। अब हमारे बेटे तो नहीं रहे, लेकिन आज से किसी और की इस बेरहमी से मौत ना हो, इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, मेरे पहचान के एक पुजारी जी हैं,
अब वही कुछ कर सकते हैं। फिर चाचा पुजारी को लेकर आते हैं। पुजारी जी उस भूतिया सड़क पर एक हवन करना शुरू करते हैं। उनके हवन करते ही वो भूत वहां प्रकट हो जाते हैं। फिर पुजारी जी मंत्र पाठ करने लगते हैं। ओम श्रीं ह्रीं कालाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं कालाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं कालाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं कालाय नमः। पुजारी का ऐसे मंत्र पाठ करते ही भूत अपने जगह पर ही जम जाते हैं। फिर पुजारी हवन में कुमकुम डाल देते हैं और उसी कुमकुम से बनी भस्म दोनों भूतों पर डालते हैं। जैसे ही भूतों के शरीर पर भस्म गिरता है, दोनों भूत दर्द से कांपने लगते हैं और बोलते हैं, आ, आ, ए पुजारी, हमें नष्ट करना चाहता है ना, लेकिन हम इतनी आसानी से तुम हमें कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन वापस जरूर आएंगे। आ, आ। इतना बोलकर भूत वहां से गायब हो जाते हैं और वो भूतिया सड़क फिर से सामान्य बन जाती है।